दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आज से कई करोड़ साल पहले इंसान का नहीं बल्कि दूसरे जानवरों का राज हुआ करता था, जहां छोटे जानवर से लेकर बड़े जानवर इस पृथ्वी पर रहा करते थे, जैसे कि डायनासोर। यहां हर रोज खोजकर्ताओं को इस धरती पर रहने वाले जानवरों के फॉसिल्स यानी कि जीवाश्म मिलते रहते हैं, जिसके कार्बन डेटिंग निकालने के बाद उनके एक्चुअल उम्र और उनके साइज के बारे में पता चलता है। जानवरों के फॉसिल्स हमें उन प्राणियों के बारे में बहुत कुछ बताती है जो लाखों करोड़ों साल पहले यहाँ रहा करते थे। कुछ साइंटिस्ट को हाल ही में जानवरों के कुछ ऐसे फॉसिल्स मिले हैं जो पूरे विज्ञान जगत में हलचल मचा दी है। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं दुनिया भर में खोजे गए जानवरों के ऐसे फॉसिल्स जिसे देख आपके होश उड़ जाएंगे। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं। बिगेस्ट एंट। साल 2011 में चार वैज्ञानिकों के टीम ने एक ऐसे विशाल चींटी का फॉसिल्स खोजा जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया वाले दंग रह गए। उस चींटी के खोपड़ी के सामने आज के जमाने के बड़े से बड़े चींटी भी एक मच्छर के जैसा लगेंगे। उस फॉसिल्स में मिले चींटी का साइज एक चिड़िया के बराबर है और ये अब तक धरती पर रह चुके सबसे बड़ी चींटी है। वैज्ञानिकों के अनुसार उस जमाने की चींटियां मांसाहारी होती थी और वो अपने शरीर से एक बेहद ही खतरनाक एसिड फेंका करती थी। ये फॉसिल्स आज से 5 करोड़ साल पुराना है, जो कि डायनासोर के जमाने में इस धरती पर मौजूद थी। एंसेंट लिजार्ड। साल 2014 में साइबेरिया देश में साइंटिस्ट को एक अनोखा फॉसिल्स हाथ लगा, जिसे देख इन लोगों के द्वारा क्लेम किया गया कि यह फॉसिल्स आज से 150 मिलियन साल पुराना है। शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा कि यह एंसेंट लिजार्ड का फॉसिल्स है जो आज के क्रोकोडाइल के मुंह से मिलता जुलता है। वहीं कुछ रिसर्चर का मानना है कि यह फॉसिल्स एक डायनासोर की है। वहीं रशियन देश के कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह मरीन रेप्टाइल्स का फॉसिल्स है, जिसे धाकासोरस के नाम से जाना जाता है, जो आज से लगभग 150 मिलियन ईयर पहले इस धरती से विलुप्त हो गया। अब असलियत में यह फॉसिल्स किसका है वो पूरी रिसर्च के बाद पता चलेगा। वेलोरिसेप्टर और प्रोसोराटॉप्स। दोस्तों, वैसे तो हम सबको पता है कि आज से 170 करोड़ साल पहले इस धरती पर डायनासोर जैसे बड़े क्रिएचर का राज हुआ करता था। हालांकि उस वक्त सिर्फ डायनासोर ही इस धरती पर मौजूद नहीं थे, बल्कि उनके साथ और भी कई भयावह जानवर थे जो इस प्लैनेट पर रहा करते थे। साल 1971 में मंगोलिया देश में एक खुदाई के वक्त जानवर के एक ऐसे फॉसिल्स मिले जिसमें दो क्रिएचर आपस में जुड़े हुए थे। उनमें से एक प्रोसेराटॉप्स, दूसरा वेलोरिसेप्टर नाम का जानवर थे। उस फॉसिल्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो दोनों जानवर आपस में लड़ाई कर रहे हो और उसी दौरान एक दूसरे से फंस गए हो, जिसके तुरंत बाद आए रेगिस्तानी तूफान में उन लोगों की जान चली गई हो। प्रोसेराटॉप्स वेलोरिसेप्टर से बड़ा था। प्रोसेराटॉप्स का वजन 52 से 182 पाउंड के बीच था। ऊंचाई उनके 3 फीट थी और लंबाई लगभग 6 फीट थी। वहीं वेलोसिरेप्टर का वजन लगभग 33 पाउंड था, जिसकी ऊंचाई 1.5 से 2.5 फीट के बीच थी और उसकी लंबाई 6.5 फीट था। कैनेडियन फिश फॉसिल्स। एंसेंट फॉसिल्स के खोज में एक और नाम सामने आया है, जिसे कनाडा के अल्बर्टा शहर में एक घर बनाने के दौरान जमीन की खुदाई में एक अनोखा फॉसिल्स पाए गए, जिसमें साइंटिस्ट को 5 बड़े फिश के फॉसिल्स मिले। बताया जाता है कि जमीन से काफी नीचे ये फिश फॉसिल्स एकदम परफेक्ट कंडीशन में मिले। इस फॉसिल्स को लेकर चौंकाने वाली बात यह है कि ये फिश फॉसिल्स सैंडस्टोन ब्लॉक में पाए गए, जो आज से 6 करोड़ साल पहले रॉक फॉर्मेशन के टाइम से ही वहां दबे हुए थे। यानी ये मछली आज से 6 करोड़ साल पहले ही इस धरती पर मौजूद थी। इसके बारे में साइंटिस्ट ने ये क्लेम किया है कि ये फॉसिल्स कई मायने में काफी इंपॉर्टेंट है। इससे एंसेंट एज के लार्ज बोनीफिश के प्रजातियों के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल सकती है, जो विज्ञान जगत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। बिगेस्ट स्नेक। 1986 में इंडिया के बायोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऐसा सांप के फॉसिल्स को खोजा गया जो डायनासोर जैसे विशालकाय जानवर को मार कर खाता था। ये फॉसिल्स दुनिया के सबसे अनोखे फॉसिल्स में से एक माना जाता है। ये फॉसिल्स एक सांप का है, जो डायनासोर के अंडे से निकले उनके बच्चों को खाने ही जा रहा था कि उसी वक्त एक लैंडस्लाइड के वजह से ये सांप और डायनासोर दोनों दबकर उसी के नीचे मर गए। खोजकर्ताओं के अनुसार ये डायनासोर के बच्चे धरती पर सबसे बड़े डायनासोर के बच्चे थे। वहीं फॉसिल्स में मिले सांप की लंबाई 3.5 मीटर थी, जिसमें वो अपने शरीर से घोंसले के चारों तरफ से जकड़ा हुआ था, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि ये सांप उस अंडे से डायनासोर को बाहर निकलने का वेट कर रहा होगा,
लेकिन उसी वक्त उसकी मौत हो गई होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक अनोखे जानवर के साथ, जिसमें देखेंगे आज से पहले पृथ्वी पर रहने वाले जीव, जिसमें से एक ऐसे मेंढक के बारे में बात करेंगे जो डायनासोर का शिकार करते थे। साथ ही एक ऐसे व्हेल मछली के बारे में बात करेंगे जिसका कभी पैर हुआ करता था। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।